नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। ओरछा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ओरछा का सुप्रसिद्ध फोर्ट, और आज ये पूरा का पूरा गाइडेड टूर होगा। हमारे साथ हैं संजीव सर, जो कि हमें पूरे फोर्ट में गाइड करेंगे। ओरछा फोर्ट का एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति। ये मेन गेट है इस महल का जी, इसको हम बोलते हैं कटीला गेट। कटीला गेट, कटीला गेट इसलिए बोलते हैं कि इसमें कांटे लगे हुए हैं लोहे के। अच्छा, तो ये एंटी एलिफेंट गेट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था, उस जमाने में हाथियों के माध्यम से इस गेटों को तोड़ा जाता था, मदरा पान करा करके। इसलिए इसमें स्पाइक लगे हुए हैं लोहे के, तो उसको गेट को ना तोड़ पाए। और दूसरा इसका जो कारण, इसमें एक टर्न दिया हुआ है, इसमें इस टाइप से दिया हुआ है कि लोग इसकी स्पीड को कम किया जाए। जी जी जी, फोर्ट्स को सेफ्टी पोल बना दिया है, सेफ्टी पर्पज से। अभी हम लोग सर महल के अंदर हैं, तो यहाँ बेसिकली देखा जाए, जैसा कि मैंने इस जगह को बताया जी, इस जगह का नाम है ओरछा जी। ओरछा का मतलब होता है कोट में छिपी हुई जगह। अच्छा, तो 1531 के पहले यहाँ पर था जंगल, जैसा कि अभी भी देख रहे होंगे आप लोग। उस जमाने में था घनघोर जंगल जी। एक राजा थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप सिंह जी, जो कि एक डायनेस्टी कहलाती है, बुंदेला राजपूत कहलाते हैं जी जी। तो यहाँ आते एक दिन शिकार करने के लिए जी, तो उन्होंने उस जगह को देखा, उनको तीन तरीके से पसंद आया। सबसे पहले एक पहला कारण था कि यहाँ पर एक बेतवा नदी निकलती है इस जगह से जी। दूसरा, पर्याप्त पानी होना लोगों के लिए जी। दूसरा कारण है कि पर्याप्त एनिमल, क्योंकि इसे जंगल है, तो राजा लोग हंटिंग करते थे, तो उनके लिए पर्याप्त एनिमल मिल जाते थे, उनको शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और तीसरा कारण देखा जाए तो यहाँ पर एक माउंटेन के बीच में घिरी जगह है जी। चारों तरफ देखेंगे सराउंडिंग में एक माउंटेन है, और आकर के उन्होंने उस जगह को सिलेक्ट किया और इस जगह का नाम रखा ओरछा, और राजा महल की नींव रखी 1531 में। इसको बोलते राजा महल कहलाता है। अच्छा, ये सबसे पुराना महल इस कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है जी। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए चार पैलेसेज हैं। पहला है राजा का महल, जो कि 16वीं शताब्दी का है। इसको मिड 16वीं सेंचुरी में इसको कम्प्लीट कराया गया, मध्य 16वीं शताब्दी में। जब ये बनकर के तैयार हो जाता है, तो यहाँ के राजा इस महल को एज ए इस उस जगह को एज ए कैपिटल घोषित कर देते हैं बुंदेलखंड का। तो अभी ये वर्तमान में देखा जाए तो कुछ इससे इसके ईपी के अंतर्गत आते हैं, और कुछ इसके एमपी के अंतर्गत आते हैं। तो स्वतंत्रता के पहले ये सब जगह बुंदेलाओं की राजधानी हुआ करता था, जिसकी जो कैपिटल हुआ करती थी ओरछा। तो वो कहने का मतलब ये है कि ओरछा 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक कैपिटल ऑफ बुंदेलखंड, स्टेट ऑफ ओरछा के नाम से जाना जाता था। इसको हम बोलते हैं दरबारे आम। दरबारे आम जी, हाँ जी। राजा महल, राजा महल का हिस्सा है, हिस्सा है ये दरबारे आम कहलाता है। राजाओं की यहाँ पर दरबार लगता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। राजा लोग किसी की कोई, मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत होती थी, उस जमाने में राजा यहाँ कोर्ट लगाते थे, कोर्ट लगाते, दरबार लगता था, दरबार यहाँ उनके द्वारा सुनवाई की जाती थी लोगों की, आम पब्लिक की। यहाँ से राजा बैठने की जगह है निर्धारित थी उस जमाने में। उस समय पर सामने वाली जगह देखेंगे, ये वाली, इसके सामने बैठते थे हम लोग मंत्री, ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ बैठते थे। अच्छा, सामने वाली जगह इन फ्रंट ऑफ यहाँ वाले पैनल पे, ठीक है, ठीक है, इस वाली जगह पे। हाँ, और तीसरा वाला जो पैनल कहलाता, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था जी, जो कमर्शियल पीपल थे उस जमाने में वैश्य कहलाती थी, वो यहाँ बैठते थे इस जगह पे, वैश्य समाज। सबसे जो लास्ट में बचते थे, जिसको हम बोलते हैं शूद्र अनटचेबल पीपल, वो वहाँ एक निर्धारित थे। अच्छा, जिसका हाइट अलग अलग है, हाइट के हिसाब से हम लोगों ने निर्धारित किया है इसमें, इसलिए प्लेटफॉर्म अलग अलग जगह पर बने हुए हैं जी जी जी, हाइट्स अलग हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेंटिंग। हाँ, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है। पेंटिंग में देखेंगे, जैसे कि एक पेंटिंग देखेंगे हम लोग, इसको हम बोलते हैं पर्शियन कारपेट फ्लोर डिजाइन जी, पर्शियन कारपेट फ्लोर। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ एनिमल्स, जैसे लाइक पीकॉक्स, सम पैरट्स, एलिफेंट। हम लोग चलेंगे राजा महल के अंदर। राजा महल के अंदर जी, हाँ। अच्छा, ये पूरा का पूरा एरिया राजा, हाँ, राजा महल कहलाता है पूरा। एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक राजा का महल कहलाता है, ठीक है जी। यहाँ से राजा को आने जाने का रास्ता था दरबारे आम में। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये रानियों के कमरे कहलाते ऊपर वाले, जिसको हम बोलते हैं झरोके। हाँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेडीज अंदर हैं जी, तो वो अंदर से बाहर देख सकते हैं जी, लेकिन बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं जा सकते हैं जी। इसलिए इनको हम लोग जनाना अपार्टमेंट कहते हैं, ये लेडीज अपार्टमेंट भी हम उसको बोल सकते हैं। पर्दा सिस्टम था हिंदुओं में, राजपूतों में। हाँ, हाँ। तो ये स्पेशली इस टाइप के बनाए जाते थे, घरों के, ठीक है। इसमें जो नक्काशी की हुई है,
वो पत्थरों पर काम किया हुआ है, जैसा कि मैंने बारीक बारीक जालियाँ की हुई हैं, ये सब ओरिजिनल है उस ज़माने की, जो कि लगभग 500 वर्ष पुरानी है जी। ये शीश महल कहलाता है। अच्छा, इसमें देखेंगे आप लोग सामने की तरफ में वो लगे हुए हैं मिरर जी, या कुछ इसमें टाइल्सों का उपयोग किया हुआ है उस ज़माने में जी, जिसको बोलते हैं पर्शियन टाइल्स जी, सिरेमिक टाइल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, जो कि ऊपर की तरफ देखेंगे ब्लू कलर से, जो बेसिकली फ्रॉम पर्शिया से लाए हुए हैं। उस जमाने में इसको डेकोरेशन किया था इस टाइप से। ये वाला रास्ता ऊपर के लिए जाता है जहांगीर महल के लिए, और हम लोग अभी चलेंगे राजा महल में अंदर की तरफ। अच्छा, राजा महल का प्रवेश द्वार कहलाता है जी। यहाँ उस जमाने में सुरक्षा गार्ड रहती थी जी, जब किसी को कोई आज्ञा मिलती थी अंदर जाने के लिए, उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलता था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जी हाँ, यहाँ सुरक्षा, यहाँ गार्ड खड़ी रहती थी उस समय, सिपाही लोग। हाँ, यहाँ पर राजा महल में प्रवेश करने से पहले से टिकट चेक कराना होता है, फिर अंदर प्रवेश किया जाता है। अब देखिए इसको, हम लोग एंट्रेंसेस पे अंदर की तरफ आए हुए हैं। यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते होते थे, उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कोई लेडीज अंदर हैं तो इनडायरेक्टली लोग उस पर सीधा ना देख पाएँ, इनडायरेक्टली उस पर देखें, ठीक है, जिससे को उनको थोड़ा सा समय मिले अपने आप को फेस को कवर करने के लिए। ये हम लोग अभी फिलहाल में अंदर की तरफ में हैं राजा महल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इसके तीन हिस्से हैं जी। पहला वाला साल हमने जो बाहर की तरफ देखा है उसको हम बोलते हैं दीवाने आम। जब अंदर लोग खास लोग आते थे तो मेहमानों को रिसीव करने की जगह वो सामने की तरफ बनी हुई है, जिसको अच्छा। हम बोलते हैं दीवाने खास बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और गर्मियाँ यहाँ काफी गर्म होती हैं, जैसे कि अभी भी हम लोग विंटर के सीजन में हैं, लेकिन हमको अभी भी गर्मी लग रही है, ठीक है ना, इस कारण से इसमें बेसमेंट बनाते थे जी। तो बेसमेंट एरिया ये बना हुआ है सामने वाला बेसमेंट जी। हाँ, क्योंकि इससे गर्मियाँ काफी गर्म होती हैं तो उसको एक जगह होती थी ठंडा करने का जी। इसमें नेचुरल एयर कंडीशन की तरह काम होता था, जैसे कि सामने देखेंगे हम लोग जी जी। ये वाला एरिया कहलाता है बेसमेंट। ये रास्ता था यहाँ पर जाने के लिए। अच्छा। अंदर की तरफ जाने के लिए बने हुए, नीचे जाया जा सकता है। हाँ, जाया जा सकता है, उसको आप देख करके आ सकते हैं। इसमें हॉल बनी हुई है बड़े बड़े। अच्छा अच्छा, जस्ट वेंटिलेशन सिस्टम है इसमें नेचुरल हवा आने के लिए जी जी जी। काफी बड़े हॉल है। हाँ, काफी बड़े हॉल बने हुए हैं इसमें। बेसमेंट एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे वेंटिलेशन हैं, जैसे कि यहाँ पर झरोके देख पा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर इस तरह के गुप्त रास्ते भी हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हॉल्स बनाए गए हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह के हॉल्स बनाए गए हैं। ये रास्ता कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, इस तरह के यहाँ पर गुप्त रास्ते हैं। बीच में भी कुछ ऐसा होल टाइप का है। यहाँ पर जैसे कि सामने वाला देखेंगे इन फ्रंट ऑफ एयर जी, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जी। जब राजाओं को मिलने का स्थान निर्धारित था प्राइवेट लोगों को वहाँ पर जी, उसके बाद उनका मिलने का काम खत्म हो जाता था मीटिंग ओवर होने के बाद में। यहाँ पर डांस दिखाया जाता था मेहमानों को जी जी। तो मेहमानों को खुश करने के लिए ये डांस प्लेटफॉर्म बने रहते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अभी का समय है, विंटर का सीजन है, यहाँ काफ़ी धूप है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने की तरफ देखेंगे रिंग से लगे हुए हैं पत्थरों पर दीवारों में जी। ये पर्दा या टेंट को लगाने के लिए यूज करते थे। अच्छा। शामियाना तैयार करते थे यहाँ। अच्छा, पर अच्छा। इस कारण से इसमें देखेंगे रिंग से यहाँ पर नीचे की तरफ लगी है। हाँ। ये बम्बू को लगाने के लिए, रस्सी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। इसकी तरफ देखेंगे दीवारों में अन्य रिंग्स हैं, जैसे कि दरवाजे के पीछे और अंदर और बाहर दोनों तरफ रिंग्स हैं। ये पर्दा डालने के लिए, ये इनका कहना था डाइनिंग हॉल, इसको मल्टीपर्पज यूज करते थे जी। होता क्या, इसमें कई तरीके से इसको प्रयोग में आ लाते थे। जब मेहमानों को रिसीव करने की जगह वहाँ पर थी, मिलने की जगह, डांस के लिए अलग से जगह थी, और उसके बाद में होता था उनकी डाइनिंग हॉल बना हुआ था, ठीक है। यहाँ लोगों को भोजन की व्यवस्था, भोजन कराया जाता था, डिनर लंच के लिए काम यूज करने आते थे जगह। और इसमें देखेंगे हम लोग चित्रकारी है, बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी, जिसको हम बोलते हैं पर्शियन कारपेट फ्लावर डिजाइन कहलाती है, जिसमें आपको एनिमल नजर आ रहे हैं, हाथी घोड़े। क्यों, राजाओं की चार प्रकार की सेना होती थी राजपूत महाराजाओं की, जिसमें एक थी पैदल, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा और चौथा ऊंट। तो यहाँ हम देखेंगे दो प्रकार की सेना है, पहली है हाथी और दूसरा है घोड़ा। ये सब 500 वर्ष पुरानी पेंटिंग है लगभग। अच्छा अच्छा। जो कि इसका जो टाइम है 16वीं शताब्दी, ठीक है ना, क्योंकि ये महल 16 सेंचुरी का बना हुआ है जी। इस कारण से इसमें पेंटिंग उसी समय की बनी हुई है कुछ रूमों में। ये यहाँ ये जस्ट उनका फाउंटेन हुआ करता था, इसको मल्टीपर्पज यूज़ करते थे। कभी होता क्या कि बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल था,
और कभी कभी होता क्या था कि यहाँ पर जैसे कि रिंग्स लगे हैं सेंटर में, झूले झूले का काम करते थे राजा लोग, प्रिंसेस वगैरह, ये पानी के साथ में इसमें इस टाइप का फव्वारे चलते थे, तो पानी के साथ में इंजॉयमेंट करते थे राजा लोग। अच्छा, इन कड़ों से बांध, हाँ कड़ों के माध्यम से झूले के लिए था, पंखे या झूले के लिए जी। ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पर, ये डांसिंग के लिए था, अलग अलग से बना हुआ है। अच्छा। ये प्राइवेट ऑडियंस कहलाता है, मैं आपको बताऊँ, प्राइवेट पार्ट्स हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अच्छा। देखेंगे हम लोग रानियों के कमरे हैं चारों तरफ, क्योंकि अच्छा। एक राजा की कई रानियाँ होती थी जी। इस कारण से इसमें कई रूम्स बने हुए हैं फैमिली के लिए। ठीक है, जैसे कि ये एक रूम ये बना हुआ है, रूम नंबर 7 कहलाता है, यहाँ एक रानियों का कमरा है, रूम्स बने हैं। सेंटर में होता था राजा के कमरे, हम लोग वहाँ भी चलेंगे बाद में जी। यहाँ पर जो पेंटिंग बनी वो हिंदू मैथोलॉजी के आधार पर है जी, जिसमें हम कुछ देखें कि विष्णु के अवतार, कि हमारे मुख्य रूप से 3 त्रिदेव हैं जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी। विष्णु को हम लोग पालनहार के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए विष्णु के कई अवतार, कई नामों से जाने जाते हैं, कई अवतार हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से 10 अवतारों की पेंटिंग। पहला विष्णु का अवतार कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य, ये देखेंगे आप लोग सामने जी। भगवान विष्णु मछली से आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आप अवतार ले रहे हैं जी। वो राक्षसों को मारते हुए जी। दूसरा आप लोग अवतार देखेंगे नेक्स्ट इंकार्नेशन, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य कुर्म अवतार, कुर्म का कच्छप अवतार कहलाता है जी। जो सामने कछुए से भगवान अवतार ले रहे हैं, जो समुद्र मंथन के टाइम पे भगवान विष्णु ने अवतार लिया हुआ था, भगवान राम जी सीता जी के साथ में, उनके जो छोटे 3 भाई, उनके पहले सामने देखेंगे आप लोग हनुमान और जामवंती खड़े हुए हैं सामने। तो ये दरबार लगा हुआ है, रानी के कमरे कहलाते हैं, इस कारण से उसमें फ्रेश को दीवारों पर भी चित्र बनी हुई है। ये डेकोरेशन रामायण की पेंटिंग है और भगवद गीता की पेंटिंग है। ये उस जमाने में इंटरकनेक्टेड थे, आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। अंदर की तरफ काफी एक दूसरे से डीपली जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये गर्मी में भी यूजफुल होते थे, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी इसकी जो दीवारें हैं काफ़ी हाइट ऊँचा है। और दूसरा इसका जो कारण है कि ना तो ये जल्दी ठंडे होते हैं और ना ही जल्दी गर्म होते हैं, क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी चौड़ी बनाई गई इसको। ये भी रानियों के रहने के, हाँ अंदर वाले कमरे कहलाते हैं, रानियों के कमरे हैं चारों तरफ में। इसकी दीवारें लगभग 2 मीटर की बनी हुई हैं। अच्छा, हाँ बहुत बड़ी है, मोटी बड़ी भी चौड़ी और ऊँची दीवारों का निर्माण किया गया है। ना तो ये जल्दी गर्म होगी और ना ही उनको बहुत जल्दी तरीके से ठंडा, इस टाइप से बनाते थे ये जी जी। ये अंदर वाले हिस्से कहलाते हैं। तो बेसिकली ये बाहर की तरफ खुलते हैं अपार्टमेंट, इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं कि दरबारे आम तक हम लोग इसमें पहुंच सकते हैं, यहाँ से निकलने के दरबारे आम तक पहुँच, हाँ रास्ते होते थे, हाँ यहाँ से रास्ते खुले, रास्ता खुला हुआ है यहाँ से। अच्छा, दरबारे आम में जाने के लिए हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये कुछ गुप्त रास्ते हैं, गुप्त रास्ते होते थे ये, सीधा बाहर निकलने के लिए। अच्छा, सीधा बाहर निकलने के लिए। हाँ हाँ, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये डायरेक्ट दरबार आम में जाके खुलते हैं रास्ते, बाहर भी निकल सकते हैं हम लोग इससे। ये देखिए यहाँ पर और रास्ता आया, मैं यहाँ पर बढ़ता जा रहा हूँ थोड़ा सा। ये ऐसी जगह हैं जो यहाँ पर लोग नहीं देख पाते हैं, हम वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये रास्ते ऐसे हैं, मतलब आप अगर नॉर्मली आएंगे तो घूम सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ कहाँ कहाँ रास्ते खुल रहे हैं इस तरह। ये देखिए फिर यहाँ पर कोई रास्ता आया, इस तरह के रास्ते जो हैं ये यहाँ पर होते जा रहे हैं। यहाँ से अब कुछ कैनन पॉइंट्स आए और ये रास्ते यहाँ पर हमको भी प्रॉपर पता नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए हर जगह ऐसा लगेगा जैसे कोई रास्ता हो। देखिए यहाँ पर एक और गुप्त रास्ता है जो कि रानियों के महल में जाकर खुलता है, राजा महल का पार्ट है। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से आना पड़ेगा, सेफ्टी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन ये देखिए वो गुप्त रास्ते हैं पूरे के पूरे, यहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए सामने भी कोई गुप्त रास्ता जा रहा है, ये साइड में मुड़ के जाता है इस तरह से, यहाँ पर नहीं है इस तरह से। देखिए ये गुप्त रास्ते जाने के रास्ते हैं। ये कहाँ जाना है, तलहर है इसमें, बेसमेंट बना हुआ है। अच्छा, बेसमेंट भी, बेसमेंट भी बना हुआ है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, डार्कनेस काफी। यहाँ पर नीचे नहीं जा सकते, नहीं सर नीचे जाने के लिए डेंजरस हो सकते हैं, काफी समय से लोग जाते नहीं है, जाते नहीं है। लेकिन इस तरह के गुप्त रास्ते, गुप्त रास्ते होते थे इसमें, देखिए ये बना हुआ है जी जी जी, गुप्त रास्ता है पूरा ये जी जी। नीचे बेसमेंट एरिया कहलाता है, बेसमेंट एरिया है यहाँ पर।
अच्छा, हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पर है, यहाँ पर मेन रूम कहलाता है, मेन रूम कहलाता है, राजा का कक्ष है, ये कक्ष कहलाता है। अच्छा, इसमें भी हम लोग राजा रहा करते थे, लेकिन सराउंडिंग में क्या है, रानियों के रूम्स होते थे। अच्छा, क्योंकि हाँ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अच्छा, होता क्या कि एक राजा की कई पत्नियाँ होती थी, जैसे कि हम जानते हैं राजपूतों में एक सिस्टम था कि एक बहु पत्नियाँ रखने का उस जमाने में। इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग, जैसे कि हमने पहले पूर्व बताया था, ये देखेंगे ब्रह्मा जी का पेंटिंग है, ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा जी हैं जी। इसके पहले जैसे कि हमने बताया था भगवान विष्णु का पहला है मत्स्य जी, दूसरा है कुर्म का कच्छप जी, तीसरा वारा जी, चौथा है नरसिंह भगवान ये वाला जी, इसके बाद में वामन अवतार ये वाला शॉर्टमैन सेम बनी है। हाँ, इसके अलावा देखें भगवान विष्णु का दशमा अवतार जिसको हम बोलते हैं कल्कि अवतार, ये बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये कल्कि अवतार, कल्कि अवतार है जी। हाँ, एक देखेंगे हाथी बना हुआ है यहाँ पर, इस हाथी के माध्यम से देखेंगे यहाँ पर हाथी है, आकृति है, लेकिन इसमें लेडीजों की लाइफ के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, अलग अलग लेडीजों की एक्टिविटीज को दिखाया हुआ है, इसी एक हाथी में 12 लेडीजों के बारे में परफॉर्मिंग करते हैं। जैसे कि जैसे कि एक देखेंगे लेडीज है ड्रम को ढोलक को बजाते हुए, दूसरा इसमें देखेंगे जैसे एक लेडीज का हाथ है उसके माध्यम से उसके दांत दांत बना दिए गए, दूसरा इसमें देखेंगे एक लेडीज की कंप्लीट लेडीज है, उसके लेग से उसके सूट की आकृति दी हुई है। इसमें देखेंगे जैसे कि लेडीज ये है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसकी जो चोटी है उससे पूंछ की आकृति दी हुई है, इस टाइप से बनी हुई है पेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये रानियों के कमरे कहलाते हैं सराउंडिंग में जी, ठीक है ना। यहाँ बरेंडे बनी हुए रूम्स हैं, बालकनीज बनी हुई हैं, दोनों तरफ बालकनी, इस साइड भी ओपन होती है, उस साइड भी ओपन होती है। होता क्या कि झरोके टाइप के होते हैं महलों में, जैसे कि हम अन्य महलों में भी देखेंगे, और बीच बीच में एक प्लेटफॉर्म बने रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्राइवेट अपार्टमेंट है, तो ड्यूरिंग ऑफ समर टाइम हुआ तो मेला चलते थे यहाँ पर, फेस्टिवल होते हैं मनाया, उस सब मनाए जाते थे, तो उस ज़माने में यहाँ पर लोग परफॉर्मिंग करने के लिए आते थे उस ज़माने में। इस कारण से इसमें प्लेटफॉर्म दिए बने हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि डांस दिखाने के लिए यूज़ में आते थे, ठीक है। ऊपर वाली जो बालकनी देखेंगे सबसे टॉप पर, ये सुरक्षा गार्ड के लिए बनी जाती थी बालकनी, ऊपर वाली। हाँ, ऊपर वाली छोटे छोटी छतरियाँ कहलाती हैं, जो कि छोटे छतरियाँ कहलाती हैं। इस टाइप की छतरियाँ आप लोग राजस्थान में भी देखेंगे जी, राजस्थान जाइए तो वहाँ भी आप महलों में छतरियाँ बना, जो सुंदरता बढ़ाने के लिए और सुरक्षा गार्ड को खड़े करने के लिए ये देखती थी। और ये वाला आप लोग देखेंगे जैसे कि कॉरिडोर है, ये लेडीजों के अपार्टमेंट होते हैं, लेडीज यहाँ से हम लोग टहलने के लिए होती थी, और ये वेंटिलेशन से वेंटिलेशन बने रहते थे, हवा और प्रकाश की विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था सब समझ। यहाँ देखेंगे आप जैसे कि अन्य जगह देखा होगा आपने, महलों में कुछ पानी गर्म करने के सिस्टम होते थे, उस ज़माने कुछ गीजर तो चलते नहीं थे, तो यहाँ पानी गर्म करने का सिस्टम है यहाँ। अच्छा। सामने वाली जगह देखेंगे इसमें हॉल दिया हुआ है, ये बेसिकली लकड़ी लगाने के उपयोग में आता था। अच्छा। लकड़ी लगा करके इसमें जलाते थे। हाँ। तो अंदर की तरफ हम लोग चलेंगे हमाम खाने में, स्नान करने, स्नान करने कहलाता है, वहाँ पानी के टैंक बने हुए हैं, पानी की टंकियाँ हैं, वहाँ लोहे का उपयोग किया हुआ है। अच्छा। लोहे का तवा, ठीक है, एक कढ़ाई कहलाती है। हाँ। उसके माध्यम से पानी गर्म करते थे, क्यों होता क्या था कि हम यहाँ लकड़ी को जलाएंगे तो वो चीज़ गर्म हो जाती थी लोहा, तो उसके माध्यम से पानी गर्म हो जाता था, क्योंकि स्नान करने की जगह है यहाँ पर, टॉयलेट्स भी बनी हुई उस जमाने के। अच्छा, पुराना बाथरूम। हाँ, बाथरूम बना हुआ है राजाओं का। अच्छा। हमाम खाना कहलाता जो कि यहाँ देखेंगे हम लोग। आइए, अंधेरा है यहाँ काफी, दरवाजे बंद कर दिए हैं, देखिए ये वाला एरिया। हाँ, ये पानी भरते थे इसमें जी। हाँ, और ये नीचे लोहे का तवा लगा हुआ है, तवा लगा हुआ है, इससे पानी गर्म होता था, पानी गर्म होता था। यहाँ ओल्ड गीजर भी सकते हैं हम। दूसरा इसमें देखेंगे एक पाइप डला हुआ है, ये एक इधर, एक इधर, इसके माध्यम से होता क्या था, यहाँ का भी पानी गर्म हो जाता था। अच्छा। क्यों होता, क्या पानी हम जो बॉइल करेंगे तो पानी मूव करेगा तो यहाँ से पानी इंटर हो जाएगा दूसरे वाले, नेक्स्ट वाले टैंक में, तो एक जगह से दो जगह का पानी गर्म करने का सिस्टम था। अच्छा। या मान लीजिए गर्म पानी ज़्यादा हो जाता तो मिक्स करने के लिए, ठंडा को मिक्स थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से बनाने के लिए। और ये बाथरूम है, ये बाथरूम है यहाँ पर, और ये अंदर रानियों के कमरे कहलाते हैं, यहाँ पर बंद है जो कि वर्तमान में। हाँ। यहाँ देखेंगे टॉयलेट्स बने हैं, देखिए सामने बने हुए टॉयलेट्स जी, यहाँ ये बनी हुई टॉयलेट्स यहाँ पर। हाँ, काफ़ी गहरे हैं, गहरे हैं ना। हाँ, गहरे काफ़ी हैं, देख करके आइए आप। अरे हाँ, बहुत गहरे हैं, नीचे जा रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा गहरे हैं।
ये पुराने जमाने के टॉयलेट्स। हाँ, ये पुराने जमाने के टॉयलेट्स बने, इसी टाइप के कुछ यहाँ पर बनी हैं टॉयलेट्स सम हियर। अच्छा, दरवाजे बंद हो जाते थे यहाँ पर। हाँ हाँ, ये भी टॉयलेट्स हैं पुराने जमाने, ये सारा टॉयलेट है, सारे टॉयलेट्स जमाने का। दीपक लगाने के लिए छोटे छोटी अलमारियाँ रखी हुई बनी हुई हैं, अलमारियाँ कहलाती हैं। अच्छा, ये यहाँ दीपक ऑयल लैंप वगैरह जलाते थे यहाँ पर। ये वेंटिलेशन के लिए बनी हुई है यहाँ पर। हाँ, ये विंडोज यहाँ पर भी हैं बहुत कुछ। यहाँ पर भी टॉयलेट है, दरबारे खास के लिए, अंदर के लिए, खास लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी टॉयलेट्स बनाए गए हैं। सामने की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें महलों में जैसे कि रूम्स हैं, चारों तरफ से इसमें रास्ते बने हुए हैं जो हमको बाहर से नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, जो अंदर की तरफ से ही हमको इंटर ऊपर जाने के रास्ते खुले हुए हैं इसमें। अच्छा, दोनों तरफ से किसी भी कक्ष में देखेंगे हम लोग, ये रानियों के कमरे कहलाते हैं। इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से रास्ते ऊपर की तरफ जाते हैं। हाँ, ये इस टाइप के बनाए जाते हैं। हाँ, देखिए हमको बाहर से नहीं नज़र आए, बाहर से नज़र नहीं आ रहा, इस टाइप के हमको नहीं आते, दिखाई देते हैं यहाँ पर। किस टाइप के इसमें बनाते थे दरवाजे के, अंदर से निकलते थे। आइए, हाँ ये रास्ते हैं। कोई समझ नहीं पाया, यहाँ देखिए उस कॉर्नर पे यहाँ बना हुआ है, वो कॉर्नर पे बना हुआ है, इस कॉर्नर पे बना हुआ है, इस उधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है। हाँ, मेन दरवाजे के बगल से ही रास्ते निकले हुए हैं ऊपर जाने के रास्ते। कहीं से भी हम लोग जा सकते हैं, कहीं से भी वापस आ सकते हैं, इस टाइप के बने रहते थे दरवाजे। इसमें ओपन बरेंडे होते थे ये, इस टाइप के। इसको हम लोग देखेंगे, सिमेट्रिकल है पूरा, इधर भी सेम है, उधर भी सेम है। इसमें देखेंगे रूम्स हैं यहाँ पर बरेंडे के साथ में। ये वरांडा बना हुआ है इसमें, क्यों यहाँ से लोग डांस को देखने के लिए, यहाँ एक प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ लोग बैठ कर के डांस को देख सकते थे यहाँ से। जी हाँ, यहाँ हम देखेंगे पेंटिंग है, भगवद गीता की पेंटिंग है, कृष्ण की लीलाएँ, फ्लावर्स हैं इसमें, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, और कृष्ण की लीलाएँ यहाँ पर, गोपी कृष्ण की रहस्य लीला, गोपियों के साथ रहस्य लीला करते हुए। यहाँ पेंटिंग देखेंगे डांसिंग मुद्रा में है लेडीजें, सामने की तरफ देखेंगे आप लोग डांसिंग करते हुए दिखाया हुआ है। ये चित्रकारी कहलाती है, फर्स्ट क्लास पेंटिंग है, क्योंकि ओरछा एक स्कूल ऑफ पेंटिंग कहलाता है उस ज़माने का। अच्छा, जी हाँ, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट हाँ पार्ट्स कहलाता है। तो बहुत सी यहाँ पर प्राचीन बिल्डिंगें देखेंगे हम लोग, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है यहाँ पर, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। इससे भी बढ़िया पेंटिंग वहाँ पर वर्णन किया हुआ है उस ज़माने के लाइफ के बारे में। यहाँ जो आने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ एक विंडो बनी हुई है, इस विंडो को देखा जाए, इस पर्पज़ से बना हुआ है कि यहाँ से हम सीधा दर्शन कर सकते हैं उस मंदिर का, सामने वाला मंदिर कहलाता है, जो कि चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के राजाओं के द्वारा बनाया हुआ था सीधे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसका गर्भगृह, उस मंदिर का गर्भगृह, इसकी विंडो एग्जैक्टली आमने सामने बने हैं, एकदम 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री पे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से गैलरीज बनाई गई हैं, जिसमें बहुत सारे वेंटिलेशंस दिए गए हैं, और इन वेंटिलेशंस की खास बात कि यहाँ पर पहले फॉरेस्ट हुआ करता था, तो फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी हवा आया करती थी, आज भी आती है। देखिए नीचे से जो हम बालकनियाँ देख रहे थे, कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं जब हम इनके अंदर चलते हैं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इस तरह से झरोके, वो सारे उसके अंदर हम चल रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से ये बालकनियाँ दिखाई देती हैं। देखिए, so now we are on the top of the Orcha fort. Here we can see a large buildings. देखिए पूरा का पूरा महाराजा महल है यहाँ से वहाँ तक। वो जो दूसरा महल है वो अलग हिस्सा है, वहाँ हम दूसरे साइड से जाएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सीन है ये है महाराजा महल का। देखिए जिस छतरी के नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पुराने टाइम पर यहाँ पर सिपाही खड़े हुआ करते थे पहरा देने के लिए। यहाँ पर इस तरह की छतरियाँ पूरे के पूरे फोर्ट में आपको ऊपर की तरफ नज़र आएंगी। यहाँ पर सिपाही खड़े हुआ करते थे, धूप से बचने के लिए छतरियाँ बनाई गई है, और नीचे पूरा का पूरा एरिया रानी महल का है। दरबार में जाने के लिए रास्ते थे, दरबार व्यायाम के लिए। अच्छा, यहाँ से
दरबार हम जो बाहर देखा वो उसके रास्ते हैं। हाँ, उसके रास्ते यहाँ से निकलने का रास्ता है। रूम्स बने यहाँ पर अंदर की तरफ में। अच्छा जी हाँ, रूम्स के अंदर से रास्ते जाते हैं। हाँ, अंदर से निकलने का रास्ता है बाहर से। अच्छा अच्छा जी हाँ, बाहर की तरफ निकलने का रास्ता। देखिए ये हैं कुछ रास्ते जो कि दरबारे आम में जाकर खुलते हैं। यहाँ पर कुछ रूम्स हैं, देखिए यहाँ पर कमरे बने हुए हैं इस तरह से, और कमरे के बाहर ये जो दरवाजे दिख रहे हैं आपको, ये दरबारे आम में जाकर खुलते हैं जो कि अभी हमने बाहर की ओर देखा। ये वाला शीश महल है, जो होटल के रूप में जाना जाता है। अच्छा अच्छा, राजाओं के रुकने की के लिए एक व्यवस्था थी, मैं अतिथियों के लिए। अच्छा अच्छा, मेहमानों को रुकने के लिए ये था। हाँ, और जहांगीर को उन्होंने रिसीव करने की जगह ये थी। दो दिन के लिए बनाया गया था ये महल, सिर्फ दो दिन के। हाँ जी हाँ, इस कॉम्प्लेक्स में है चार महल। हाँ, पहला हम लोगों ने देखा राजा महल, राजा महल, उसके बगल में जो बाहर की तरफ बना शीश महल कहलाता है, और जहाँ हम लोग अभी फिलहाल में हैं ये महल कहलाता जहांगीर का। जहांगीर इसको महल को जो नींव रखी गई 1605 में, और 1627 में बनकर के ये तैयार हुआ। हाँ, जब ये बनकर के तैयार हुआ तो महाराजा वीर सिंह के द्वारा जहांगीर को यहाँ बुलाया गया, इन्वाइट किया गया उस जमाने में, जस्ट उनको स्वागत करने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ रॉयल फैमिली वो कहते थे। हाँ, रॉयल गेस्ट को बुलाते थे। हाँ, शाही मेहमानों को। हाँ, तो उनको बुलाया गया यहाँ, जहांगीर दो दिन के लिए आते हैं। अच्छा, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, और स्वागत करने के बाद में इस महल को एज ए गिफ्ट कर देते राजा वीर सिंह देते हो। अच्छा, क्योंकि दोस्ती थी सलीम के साथ में या जहांगीर के साथ में, इस कारण से यहाँ के राजाओं के द्वारा उनको गिफ्ट किया गया। अच्छा, इसलिए ये महल उस समय से लेकर आज तक जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। जी, इसको जी। हम लोग आज भी जहांगीर महल कहते हैं। अच्छा, उनके गिफ्ट देने के गिफ्ट लिए और स्टे के लिए गेस्ट को रिसीव करने की जगह बनाया गया था। इस महल को बनाने की जो शैली है इसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक शैली, हिंदू इस्लाम आर्किटेक्चर। हिंदू आर्किटेक्चर होता है क्या कि हम लोग फिगर्स को लेते हैं जी। वो उसमें किसी प्रकार के हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते जी, हैं, डेकोरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, देवी देवताओं के चित्र होते हैं। लेकिन इस्लाम कल्चर में होता क्या है कि सिंपल होता है, जैसे कि आपको पता है कि उनके यहाँ एनिमल्स को नहीं लेते डेकोरेशन, दे डोंट बिलीव टू एनी डेकोरेशन। जस्ट लाइक यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे आप लोग हाथियों की श्रृंखला, हाथी को देखेंगे पीछे की तरफ, नीचे की तरफ सूंड है इसके। अच्छा, वो सूंड के माध्यम में देखेंगे उसको वेलकम करते हुए दिखाया मेहमानों का। हाँ, उसका फ्लावर, उसमें घंटी को लिए हैं। अच्छा, घंटी लिए, घंटी के माध्यम से घंटी को बजाते हुए दिखाया गया हाथियों के द्वारा। हाँ, हाँ, स्वागत करते हुए मेहमानों का। हाँ, हाँ, दूसरे इसमें जो दरवाजा देखें, जैसे कि ये दरवाजा है। हाँ, हाँ, इसको हम बोलते हैं तोरण गेट, वेलकम दरवाजा कहलाता है। ये नमस्ते का फॉर्म होता है, नमस्ते की डिजाइन में हम लोग नमस्ते करते हैं, लाइक यहाँ हाथ जोड़ करके लाइक दिस, इस टाइप का बना हुआ है। यहाँ देखेंगे आप लोग बहुत सी चीज़ इसमें नजर आएंगी। सबसे पहले देखेंगे इसमें सूर हाथी की ट्रंक। हाँ, दूसरे में देखेंगे कमल की आकृति। हाँ, ऊपर की तरफ देखेंगे पैरट्स पीकॉक्स। हाँ, हाँ, और नीचे देखेंगे उसके जस्ट नीचे स्वास्तिक। हाँ, और उसके छोटा सा और नीचे की तरफ देखेंगे सूर देव का सिंबल को लिया हुआ है। हाँ, हाँ, ये सब लाल बलुआ पत्थर पर काम किया, रेड स्टोन कहलाता है। ये सब हाथ का नक्काशी की हुई है, जैसे कि ये देखेंगे पत्थर पर काम किया हुआ है इसमें, ठीक है, पत्थरों की चौखट लगी हुई है। ये उस जमाने का ओरिजिनल वर्क है यहाँ पर। हाँ, हाँ, तो इस टाइप से देखा जाता है इसमें 108 हाथी हैं टोटल। जैसे कि हमारे यहाँ माला होती है जप माला। हाँ, हाँ, उसमें 108 गुड़िया होते हैं जो कि शुभ माने जाते हैं, अंक शुभ होता है हमारे। हाँ, इस टाइप से इसको बनाया हुआ है। इसी टाइप से उसमें देखा जाए तो गुम्बद है, गुम्बदों को दो प्रकार के गुम्बद हैं। हाँ, पहला वाला गुम्बद देखेंगे हम लोग इन द कॉर्नर पे है, जिसके जो कमल की आकृति दी हुई उसमें। हाँ, इसलिए वो हिंदू साली के अंतर्गत आता है जी। क्योंकि होता क्या कि हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ मुस्लिम आते हैं जी, उनके साथ में उनका कल्चर आता है, तो यहाँ के लोग राजपूतों के साथ में मुगलों के साथ की दोस्ती, इस कारण से उन्होंने इसको वेलकम करने के लिए बनाया। तो दो आर्किटेक्चर को अडॉप्टेड किया हुआ है, मिक्स किया हुआ आर्किटेक्चर, जो कि उस जमाने का वेस्ट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। जैसे कि इसका गुम्बद देखेंगे इन द सेंटर, ये सिंपल गुम्बद है, प्लेन गुम्बद कहलाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से इसमें देखेंगे छोटे छोटे छतरियाँ बनी हुई हैं। हाँ, और सुंदर सुंदर इसमें जालियाँ का काम किया है, जाली देखेंगे यहाँ पर जालियाँ हैं। हाँ, हाँ, ये बेसिकली जनान अपार्टमेंट कहलाती है, जब लेडीज अंदर होती हैं। हाँ, तो वो अंदर से बाहर की तरफ देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं देख सकते। इस टाइप से इसमें देखा जाए तो 236 कमरे हैं यहाँ पर, 100 नीचे हैं जो कि बेसमेंट एरिया कहलाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस जमाने में ये इंटरकनेक्टेड होते थे नेक्स्ट पैलेसेस। अच्छा, जैसे कि सेम कॉम्प्लेक्स में है फोर पैलेसेस, आपस में जुड़े रहते थे। हाँ, हाँ। दूसरे इसमें देखेंगे ऊपर की तरफ रूम चले हैं जो कि 136 रूम है, जो कि बालकनीज के साथ में जुड़े हुए हैं। इसमें रूम्स हैं, रूम्स के साथ में इसमें कॉरिडोर बना हुआ है जो कि जनान अपार्टमेंट कहलाता है।
जहाँ पर हम लोग फिलहाल में हैं ये एक डांसिंग की जगह होती थी उस जमाने में, ठीक है ना। जब लोग यहाँ आते थे उनको रिसीव करने के बाद में उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे, डांस दिखाने के लिए। इस कारण से देखा जाता है यहाँ पर बालकनीज बनी है चारों तरफ, आप लोग देखेंगे यहाँ से लोग बैठ करके डांस को देखते थे, ठीक है। इसका जो आप प्लान देखेंगे ये सिमेट्रिकल प्लान है, जैसे कि यहाँ देखेंगे इस कॉर्नर पर आपको सेम इधर नज़र आएगा, इसी टाइप से आप किसी भी जगह पर देखेंगे तो आपको सेम नज़र आएगा। इसमें छोटे छोटे छतरियाँ बनी, जैसे कि ये देखेंगे आप लोग छतरियाँ, ये टिपिकल राजपूताना स्टाइल आर्किटेक्चर कहलाता है। इसी टाइप से इसमें देखेंगे दो कलरों का उपयोग किया हुआ है, एक पहला वाला कलर देखेंगे कि आप डूम में गुम्बद देखेंगे, गुम्बद में ब्लू टाइल्स का उपयोग किया हुआ है, ब्लू टाइल्स ब्लू कलर से, बेसिकली ये पर्शिया से लाए हुए कलर से पर्शियन टाइल्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा वाला इसमें कलर देखेंगे ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन कलर देखेंगे। ये छज्जा दिख रहा है आपको, गुम्बद दिख रहा है ना, गुम्बद के नीचे छज्जा बना हुआ है, उसके नीचे पेंटिंग बनी हुई है, ग्रीन कलर से है, ब्लू कलर्स भी है और ग्रीन कलर्स भी है, ये सब डेकोरेशन किया हुआ है इसमें। और बीचों बीच में इसमें देखेंगे एक स्विमिंग पूल बना हुआ है महल का, और चारों तरफ ये है महल के बीच, ये स्विमिंग पूल कहलाता उस जमाने का। अच्छा, स्विमिंग, जी हाँ। और ऐसा अनुमान है हम लोगों का जी कि एक जकूसी होती थी सराउंडिंग में जी, ये जकूसी की तरह यूज करते थे। जकूसी मतलब मुसलमानों में इस टाइप का होता है, जकूसी बनाई जाती है। अच्छा, जी हाँ। बेसिकली मेरा मानना ऐसा है हाँ। कि यहाँ पर पानी भर देते थे उस जमाने में सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसमें फूल पत्तियां डाल करके इसकी डेकोरेशन सुंदरता बढ़ाने के लिए। जैसे कि चार कॉर्नर पे प्रत्येक कॉर्नर पर देखेंगे यहाँ पानी भर दिया और फूल पत्तियां डाल दी इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए महल के। हाँ, मेन गेट हम लोग अभी जा रहे हैं, ये तो हम लोग अभी इस महल में आए हुए, उसका बैक विंडो था, बैक विंडो, जी हाँ। ओह, दैट्स व्हाई इट इज मोर प्राइवेट, क्योंकि स्टार्टिंग वहां से हो रही है और ये पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा। जैसे इसका जो कोर्टयार्ड है, इन दिस पैलेस देयर आर 8-9 कोर्टयार्ड, सो जस्ट वी आर स्टैंडिंग इन सेंटर कोर्टयार्ड, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोर्टयार्ड। ये टनल्स वाले रास्ते हैं, या केयरफुली प्लीज हियर माइंड योर स्टेप्स। हाँ, यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम किया है, इसका मुख्य दरवाजा यही है जो कि आप देखेंगे पूरब दिशा की तरफ ओपन हो रहा है, ये मेन गेट है, मेन गेट कहलाता है महल का। जी हाँ, इसमें आप लोग देखेंगे छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा होगा आपको जी, ऊपर ऊपर की तरफ में, उसमें एक छोटी सी स्टैचू लगी हुई है भगवान गणेश की। हाँ, लगी हुई है, लगी हुई है ना, बिल्कुल। दूसरा उसके साथ में देखेंगे जैसे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जी एक सरस्वती जी की देवी, सरस्वती जी की वो लगी है मूर्ति, हाँ, स्टैचू लगी हुई है, हाँ, बीड़ा को बजाते हुए। उसके ही लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ देखेंगे आप लोग हाथी बना हुआ है, हाँ, महावत के साथ में, हाँ, उसके नीचे देखेंगे आप लोग लोटस हैं, हाँ, कमल की तरह डिजाइन दिया हुआ है, हाँ, पैरट्स हैं, इसके अलावा पीकॉक्स, इसको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है इस महल को, मुख्य दरवाजा। इसकी तुलना है फतेहपुर सीकरी से की जाती सुंदरता में, फतेहपुर सीकरी का गेट बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन आर्किटेक्चर सेम है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप दो हाथी हैं जिसका जो भाव है अलग 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 तरीके से दिखाया हुआ है, जैसे कि एक हाथी देखेंगे इन द लेफ्ट, ये हाथी में सूर को लेकर, सूर में घंटी को लेकर के बजाता हुए दिखाया है। जब लोग यहाँ से मेहमान उनके आते थे अंदर इंटर होते थे, यहाँ लेडीजें खड़े हो जाती थे गेट के ऊपर, वहाँ से फ्लावर डाल करके उनका स्वागत करती थी जी। तो मान लीजिए इसके मतलब से ये महसूस होता, हमको पता लगता है कि अगर उनका कोई मेहमान है तो यहाँ हाथी के माध्यम से उसको वेलकम करते हुए दिखाया गया है। मान लीजिए कोई प्रतिद्वंदी है फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरा वाला हाथी देखेंगे, हाँ, ये चैन को लिए हुए हैं सूंड में जी। इसके माध्यम से ये पता बताया जाता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारा कोई प्रतिद्वंदी है तो बंदी बनाने का साहस करते हैं राजा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए इसमें दोनों भाव को बताया हुआ है, वेलकम का उसका वो इंडिकेट कर रहा है, दूसरा ये करता है कि हम भैया हम आपको बंदी बनाने का साहस रखते हैं। इसका ये छुपा हुआ एलिफेंट, जो एलिफेंट का संबंध होता है शक्ति से, पावर से। सामने देखेंगे आप लोग मंदिर हैं जी, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर, लगभग 5 मंदिरों को दिखाया हुआ है जी जी। जब आप मंदिर में जाएंगे, राम राजा मंदिर में जाएंगे, तब ये उड़ीसा स्टेट था जी। उस जमाने में इन मंदिरों में होती थी पूजा जी। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि यहाँ के राजाओं के द्वारा राजधानी छोड़ दिया गया था 1872 में, यहाँ भगवान राजा बन गए, एक जगह पे दो राजा तो रह नहीं सकते थे, इस कारण से यहाँ के राजाओं ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो स्वतंत्रता के पहले ये सब संपत्तियाँ जो प्रॉपर्टियाँ देख रहे हैं आप लोग, ये सब स्टेट
उनकी थी, राजाओं की प्रॉपर्टियाँ हुआ करती थी। जब राजा लोग, ये राज स्वतंत्र हुआ भारत, ये सब प्रॉपर्टियाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई, तो यहाँ से मूर्तियाँ चोरी होने लगी। अच्छा। इस कारण से देखा जाए तो मंदिर में जो मूर्तियाँ शेष बची थी वो राम मंदिर में शिफ्ट कर दी गई हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से। तो वर्तमान में ये जस्ट मॉन्यूमेंट रह गए हैं, इसमें कुछ देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है, जो कि नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं। चौथा महल बनाया था जो यहाँ की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था इंद्रमणि, राजकुमार हुआ करते थे उनकी ये प्रेमिका, उसके लिए महल बनाया था। अच्छा जी हाँ, इस महल का नाम रायपुरी महल कहलाता है। अच्छा। होता क्या है, एक उस जमाने में जैसे कि प्रत्येक स्टेट हुआ करते थे उसमें नृत्यकियाँ हुआ करते थे, राज नृत्यकियाँ, तो उस जमाने में यहाँ ओरछा की एक फेमस नृत्यकी थी, राज नृत्यकी, दूसरा एक फेमस कवित्री स्टेट ऑफ ओरछा में, तीसरा इसकी जो विशेषता थी सुंदर लेडीज, ब्यूटिफुल वुमेन, चौथा बीड़ा वादन करना, और पाँचवा इसकी जो विशेषता थी इसकी वो थी कि हॉर्स राइडिंग को करना, घुड़सवारी करना, गुड़ सारे गुण संपन्न थी। यहाँ के राजकुमार थे उनकी ये प्रेम करना कि उनकी वाइफ। अच्छा, हुआ क्या कि अकबर इसकी तुलना सुंदरता में रूप मध्य मिंगड़े में की जाती थी। ठीक है, हुआ कि अकबर को पता लगता है इसके रूप ओगुड़ के बारे में, अकबर से उसे ही जलस ईस्सा, तो अकबर का फरमान आता है उसको वहाँ भेजने के लिए, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि हम किसी के दूसरे के दरबार में जाकर के रहें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ राजा ने और इनको जो प्रिंसेस हुआ करते राजकुमार इंद्रमणि, उनकी प्रेम का उनको यहाँ फरमान आया अकबर के यहाँ से, उन्होंने इसको भेजने से मना कर दिया, तो अकबर की सेना इसको पकड़वा लेती है। अच्छा, इसने सोचा कि अगर मेरे जाने से अगर युद्ध को टाला जाता है तो हम जाने को तैयार, धन जाने को रोकने के लिए, लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड वुमेन थी, मल्टी टैलेंटेड वुमेन, डिबेट करने में काफ़ी पारंगत, जैसा कि मैंने बताया था कविताएं पढ़ना, कविताएं लिखना, उस जमाने की यहाँ ऑफिशियल वो थी कवित्री। अच्छा। ठीक है, केशव कवि की शिष्या। अच्छा। अकबर के दरबार में जैसे इसको पेश किया जाता है तो अकबर से ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती थी, तो दरबार में जैसे इसको पेश किया जाता है तो कविता पढ़ने की अनुमति मांगती है, कविता के माध्यम से उसमें उसका भाव छिपा हुआ था, तो जैसे ही उसको आज्ञा मिल जाती है तो वो चार लाइन की कविता सुनाती है अकबर के दरबार में, भरे दरबार में, उसके माध्यम से वो अकबर से क्वेश्चन पूछती है इनडायरेक्टली, जैसे उसको परमिशन मिलती है तो वो कहती है, बनती राह परवीन की सुनियो साही सुजान, और झूठी पातर भगत हैं बारी बाया स्वान। उसका मतलब ये था कि उसने अकबर से पूछा क्या मैं एक झूठा भोजन, क्योंकि इंद्रजीत सिंह थी उनकी ये प्रेम का, तो इसने आप उसने आप इस, उसने अपने आप को वहाँ पर एक झूठा भोजन की तरह प्रस्तुत किया, और अकबर से पूछा कि उसने कहा कि मुझे तो ये पता है कि बुंदेलखंड एरिया कहलाता, हमारे बुंदेलखंड एरिया कहलाता, इसमें तीन लोग झूठा कवि भोजन को खा लेते हैं, पहला होता बारी, दूसरा था वायस, और तीसरा था श्वान, श्वान का मतलब सूंघने वाला कुत्ता। बारी एक कास्ट होती है हमारी यहाँ जो पत्तल पर झूठा को कलेक्ट करती है, भोजन हम छोड़ देते जो खाया वो भोजन खा ले वो माइंड नहीं करते। इसने पूछा कि आप मुझे बता दीजिए कि आप तीन में से कौन हैं, कि मुझे तो अभी ऐसा पता नहीं है कि आप इनमें से कोई एक हैं, तो आप झूठा भोजन खाने को तैयार हैं, तो अकबर इसके बात का उसका कोई उत्तर नहीं था उसके पास में, तो अपने आप में शर्मिंदा हुआ, तो उसने उसको जैसे उसने उसको उठवाया था यहाँ से कैप्चर किया था वैसे उसको सब सामान वापस भेजना पड़ा, इसलिए ये इसका नाम कहलाता है रायपुरी महल। जिनकी ये प्रेमिका थी जिसका नाम था इंद्रमणि, उनके द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया उसकी प्रेमिका के लिए, जो रायपुरी महल के नाम से जाना जाता है, ये इसकी महल की खासियत है। जी हाँ, ये देखेंगे इसमें सुंदर सुंदर जालियाँ हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की, जैसे मैंने बताया था रूम्स हैं इसमें। अच्छा, रूम्स ये रूम्स हैं यहाँ पर। अच्छा। जो जालियों के साथ में बरंडा कहला है, रूम्स कहलाते हैं। अच्छा। इंटरकनेक्टेड विद गैलरी, कॉरिडोर कहलाता है। अच्छा, अच्छा। जैसे कि ऊपर का देखेंगे ये पत्थर का काम किया है, नक्काशी की हुई है। हाँ, तो ये जाली वर्ग के लिए जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगी ये महल, इसमें सुंदर सुंदर नक्काशी, जैसे ऊपर देखेंगे आप लोग बालकनीज बनी है, सुंदर सुंदर पत्थरों पर काम किया हुआ है, इस टाइप से इसमें काम किया हुआ है। ये जहांगीर महल कहलाता है, ये पैलेस का फ्रंट कहलाता है, मेन गेट है। ठीक है, यहाँ सामने की तरफ देखेंगे आप लोग, ऊँटों की बांधने की जगह थी। अच्छा, घोड़ों और शिप करने लोगों को तो ऊँट बांधते थे वहाँ, अस्तबल कहलाते हैं। इसके नीचे घोड़े के लिए अस्तबल बना हुआ है, और पीछे की तरफ देखेंगे इसके बगल में सराउंडिंग में हाथियों के लिए पार्किंग की प्लेस बनी हुई है। अच्छा। ठीक है, अब मान लीजिए लोग आते थे उस जमाने में तो लोगों को रिसीव करते थे, कहाँ से लोग एनिमल्स यूज करेंगे, ये जगह बनी हुई है। इधर आइए आप लोग, जैसे कि पहला वाला प्लेटफॉर्म कहलाता है, ये वाला बना हुआ है वहाँ पर जस्ट ओवर देयर, ये पालकी पर लोगों को बैठने के लिए, सवारी करने के लिए। हाँ।
दूसरा वाला इसका जो नेक्स्ट इसकी जो हाइट है थोड़ा ऊपर की तरफ में है। हाँ? ये घोड़े पे सवारी करने के लिए अच्छा बोर्डिंग प्लेटफॉर्म थे ये। हाँ? ठीक है ना, पहला पालकी, दूसरा घोड़ा, तीसरा ऊंट और चौथा हाथी। हाथी का हाथी लोग होते यहाँ लग जाते थे, हाथी हाथी के हाइट पर हाइट के बैठ जाते थे लोग सीधा। तो ये बैठने और सिटिंग का उसको बैठने के लिए सवारी करने के लिए था, लोगों को रिसीव करने की जगह थी, ये एनिमल्स यूज करते थे जी। और ये नीचे क्या है, जेल? नहीं, जेल है इसका। देखिए यहाँ पर जहांगीर महल के नीचे अंडरग्राउंड में देखा जाए तो ये है जेल। थोड़ा सा डोर खुला है, हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से देखेंगे, फिर भी पूरा नहीं देख पाएंगे लेकिन बहुत दूर तक देखेंगे तो जेल है ये। देखिए यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहांगीर महल के नीचे गुप्त तहखाना बोल सकते हैं या जेल बोल सकते हैं। बहुत ही दूर तक जा रहा है ये, यहाँ से इतना डार्कनेस है। ये साइड में जितने भी आपको यहाँ पर जो एरियाज दिख रहे हैं वो जेल के रूम्स हैं, और ये इतना ही नहीं है, यहाँ साइड में भी है। यहाँ साइड में से हम थोड़ा सा अंदर जा नहीं पाएंगे क्योंकि इस तरह का जो पोर्शन है ये लॉक्ड है। यहाँ पर इस तरह से ये लॉक्ड है, हम यहाँ से अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी ये जेल का एरिया है। और इधर भी देखें, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जेल का ही एरिया है, यहाँ पर से भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं जहांगीर महल के। इस स्पॉट से अगर आप खड़े होकर लेंगे तो पूरा का पूरा जहांगीर महल बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ये शाही स्नान करने की जगह है। कौन सी? शाही स्नान करने की, हमाम खाना का अलग से बना हुआ राजाओं को। ये वाला जो रूम्स दिख रहे हैं। हाँ, ये तीन दिख रहे हैं आपको दरवाजे के साथ में। अच्छा अच्छा, ये पूरा शाही स्नान घर है ये। हाँ अच्छा, उसके पीछे देखेंगे शाही, वो रॉयल गेट कहलाता। अच्छा, मेन गेट ही, यहाँ से आने का अंदर राजाओं को आने का वो था। अच्छा, ये जो एरिया भी आप देख रहे हैं ये है ऊँटों का अस्तबल। यहाँ पर ऊँटों को बांधा जाता था। जैसे देखिए ऊँट खाना लिखा हुआ है यहाँ पर, कैमल हाउस यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊँटों को रखा जाता था। देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ चल रहे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा व्यू है और बहुत ही एंटीक चीज़ है जो कि अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर ऊँटों को रखा जाता था, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। यह देखिए यहाँ से हर जगह देखेंगे तो कुछ अलग ही चीज़ दिखाई देंगी। यहाँ पर एक दरवाज़ा, फिर ये दरवाज़ा, मतलब टोटली इट इज़ टोटली ओपन। तो अब हमने जहांगीर महल नीचे की ओर से तो देखा, लेकिन अब हम जाने वाले हैं जहांगीर महल में ऊपर की ओर। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कि यहाँ साइड से दिखाई नहीं देते। ये जैसे कि यहाँ पर आपको ये खुला हुआ रास्ता दिखाई दे रहा होगा, ये जाता है ऊपर। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं अंदर की ओर, और एक रास्ता तो आपको यूँ नॉर्मली दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ियाँ ये ऊपर लेके जाती हैं, लेकिन ऐसे कई रास्ते हैं यहाँ पर। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह के कई रास्ते हैं जिनसे ऊपर की ओर जाया जा सकता है। तो चलिए हम इस गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर चलते हैं। वैसे गुप्त नहीं है, इस तरह के कई रास्ते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा साइड में है, तो यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं जहांगीर महल में ऊपर की ओर। देखिए ये है फर्स्ट फ्लोर जहांगीर महल का, नीचे वाला था ग्राउंड फ्लोर, अब ये है फर्स्ट महल जहांगीर महल का। ये देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लगभग सेम है। चार स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं इस तरह से। हम जिस बालकनी से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये बालकनी सेम टू सेम सामने भी दिखाई देगी आपको। यहाँ से आप देखेंगे तो सामने सेम टू सेम बालकनी बनाई गई है। अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम बालकनी बनाई गई है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो भी आपको इसी तरह की सेम बालकनी, सेम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ तक कि आप ऊपर गुंबद देखेंगे, आमने सामने के सेम है। देखिए ओरछा फोर्ट में आपको मैं जो पुराने कलर्स हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पुरानी जो टाइल्स होती हैं, जो पर्शियन टाइल्स हैं, उनके जो ब्लू कलर हैं, जो ब्लूइश कलर हैं, यहाँ पर आज भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरह के ब्लू और ग्रीन कलर की जो टाइल्स हैं छोटी छोटी, वो यहाँ पर दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर टाइल्स से छोटे छोटे फ्लावर्स काट कर यहाँ पर लगाए गए हैं, इनका कलर आज भी उसी तरह से बरकरार है। तो अब हम आ चुके हैं जहांगीर महल के टॉप मोस्ट सिरे पर।
यहाँ से जो आप व्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ओरछा आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। यहाँ से जहांगीर महल से नीचे की ओर देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी हवेलियाँ नज़र आएंगी। ये राजा के मंत्री जो हुआ करते थे उनकी हवेलियाँ हैं। राजा रहा करते थे पैलेस में और जो मंत्री थे वो रहा करते थे हवेलियों में। देखिए यहाँ से आपको मैं वापस से कुछ सिमेट्रिकल सीन्स दिखाना चाहूँगा। जिस छतरी पर मैं खड़ा हूँ इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो ऐसी की ऐसी छतरी आपको नज़र आएगी, और यहाँ से आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एक छतरी नज़र आएगी, और मेरे लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो आपको वही छतरी नज़र आएंगी। थोड़ा सा अंतर ज़रूर है यहाँ पर, अगर हम पहचानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर पता लगेगा। देखिए यहाँ पर कुछ पिलर्स जो हैं वो मोटे हैं, यहाँ पर जो पिलर्स बनाए गए हैं इनको थोड़ा रिपेयर कर दिया गया है, ये मोटे हैं। और यहाँ पर देखिए पिलर्स बारीक हैं, इस तरह के बारीक पिलर्स हैं, लेकिन अगर कुछ पिलर्स गिरने लगते हैं तो इस तरह से रेनोवेट करके इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है, थोड़ा सा मोटा। जहांगीर महल के टॉप मोस्ट सिरे से देखें तो कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे सामने नज़र आता है। दूर हमारे से थोड़ी नदी बह रही है और नदी के पास हैं कई सारे मंदिर। मंदिर से पास आए तो ये मेन गेट है जहांगीर महल में एंटर करने का। मेन गेट के जस्ट पास में है शाही हमाम घर, जहाँ मतलब पुराने टाइम का जो शाही बाथरूम हुआ करता था वो ये है। यहाँ पर कुछ खंडहर हैं जो कि खंडहर अवशेष बचे हुए हैं सिर्फ। यहाँ पर देखें तो ये है तोपखाना, और यहाँ पर देखें तो ये है ऊँट घर, यहाँ पर ऊँटों को बांधा जाता था। और थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया आ जाता है, और यहाँ दूर देखेंगे तो कुछ मंदिर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पास में देखेंगे तो एक हवेली है जो यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की गैलरीज बनाई गई हैं जहांगीर फोर्ट में ऊपर की ओर, और यहाँ पर इस तरह की बारीकी का काम किया गया, इस तरह से पत्थरों की जालियाँ बनाई गई हैं, जाली वर्क के लिए ये फेमस है। और इस तरह से गैलरीज पूरे के पूरे फोर्ट में बनाई गई है, जो भी अगर वॉक करना चाहे या फिर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एक तरह से कहा जाए तो, कि पूरा का पूरा फोर्ट में आप इसी बालकनी से जा सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा सर्कल आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारी हवेलियाँ नज़र आ रही हैं राजा के मंत्रियों की। यहाँ पर स्पेशली ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर सिर्फ हवेलियाँ ही हवेलियाँ आपको नज़र आएंगी। थोड़ा सा फोर्ट से डिफरेंट है, थोड़ा सा फोर्ट के साइड में है, क्योंकि ये राजा के रहने की जगह है, वो मंत्रियों के रहने की जगह है। और यहाँ से थोड़ा सा दूर देखेंगे नदी किनारे आपको कुछ तरह के सिनोट्रैप्स नज़र आएंगे, ये वो छतरियाँ हैं राजाओं के स्मारक के रूप में बनाई गई हैं यहाँ पर। और यहाँ से देखेंगे तो ओरछा फोर्ट का कुछ अलग ही नज़ारा आपको यहाँ से नज़र आएगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ओरछा फोर्ट का, ये है महाराजा महल। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है तोपखाना, यहाँ पर तोपें रखी जाती थी। देखिए ये है ओरछा फोर्ट का कैनन पॉइंट अगर कहा जाए तो, दिस इज़ द तोपखाना। यहाँ पर ये बिल्डिंग अब ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पहले तोपें रखी जाती थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। ओरछा का डिस्टेंस झांसी से लगभग 18 किलोमीटर का है। झांसी उत्तर प्रदेश में आता है और ओरछा आता है मध्य प्रदेश में, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 18 किलोमीटर का है, 18 किलोमीटर का है। तो अगर आप कभी झांसी आते हैं तो आप ओरछा फोर्ट भी विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ ओरछा में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि है राम राजा मंदिर। यहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। ये प्रसिद्ध जगह है जहाँ है राम राजा के रूप में। अच्छा, राम राजा मंदिर भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में, इसलिए इसको ओरछा का सबसे अलग कारण है। अच्छा अच्छा, राम राजा के रूप में सबसे फेमस मंदिर है ओरछा का। अच्छा, भगवान के रूप में नहीं। अच्छा अच्छा, राम राजा के रूप में। यहाँ का टाइमिंग क्या है कुछ? ये दिन में 1 बजे आरती के टाइम तक, इस दिन सुबह से खुला रहता है 11 से 1 बजे तक, अभी खुल जाएगा 5:30-6 बजे से शाम के 7:30-8 बजे। अच्छा अच्छा, दरबार के लिए, बाकी तो प्रांगण खुला है। हाँ हाँ, इस महल को बोलते हैं राम राजा दरबार, यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान है। तो ये था ओरछा फोर्ट, एक हिस्टोरिक प्लेस। अगर आप कभी झांसी आएँ तो ओरछा फोर्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।